सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो इसी वीडियो से रिलेटेड है। एक्चुअली हमने जो ये MCQ बेस के ऊपर ये वीडियो क्रिएट की है, इसका मेन पर्पज़ यह है कि हम चाहते हैं कि आपको सामने जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उनको टॉपिक वाइज क्रिएट किया है। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन की आपने प्रिपरेशन कर रखी है और उस टॉपिक में से कोई से भी क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्जाम के टाइम पे, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको मिक्सअप वीडियो बनाते हैं कि एक टॉपिक एक क्वेश्चन में ले लिया फंक्शन से, एक क्वेश्चन लिया हमने पॉइंटर से, एक स्ट्रक्चर से ले लिया, एक फाइल से ले लिया, ऐसे करने से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं हो सकती। तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने से ज़्यादा क्वेश्चन को हमारे सामने सोल्यूशन होगा और उनमें से कोई सा क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इसलिए हमने टॉपिक वाइज बनाई है वीडियो। और दूसरी बात है कि आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, BCA कंप्यूटर साइंस है, BTech, MCA पॉलिटेक्निक, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें सी लैंग्वेज क्वेश्चन आने की चांसेस है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। पैटर्न मेरा ये है, जैसे कि क्वेश्चन है कि हु इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, चार ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा क्लिक करने के बाद उसके अंदर ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, इसका मतलब ये सही क्वेश्चन है, और जो रॉन्ग आंसर होगा उसके ऊपर क्लिक करने से रेड लाइट ऑन हो जाएगी। बस मजा आ गई। तो सी लैंग्वेज का डेवलपर कौन है, सब जानते हैं मोस्टली, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। सी को बनाया था डेनिस रिची ने। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें ग्रीन लाइट ऑन हो गई। अगर मैं किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर रेड लाइट ऑन हो जाएगी, ये इनके गलत आंसर है। बजार ने स्ट्रोस्ट्रप ने सी पसपस को बनाया था, जेम्स गोसिंग ने बनाया था जावा को, और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्लिक करना नेक्स्ट बटन के ऊपर। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड, सी लैंग्वेज कब डेवलप की गई थी, उसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्लिक करते हैं ग्रीन लाइट ऑन हो गई, मतलब करेक्ट आंसर है। 1991 में जावा डेवलप की गई थी, 1980s में सी प्लस प्लस डेवलप की गई थी, 1995 में जावा का फर्स्ट वर्जन आया था। तो ये सब इसके अल्टरनेटिव रॉन्ग आंसर है। हमने एक चीज़ को और ध्यान रखना कि जो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहा हूँ, मैं उनका रीज़न बताऊँगा कि ये क्वेश्चन ये आंसर इस क्वेश्चन का ये आंसर ये क्यों है, रीज़न क्या है, और हो सकता है कि मैं उसको सोल्व करके आप सामने दिखाऊं। ऐसा करने से क्या होगा कि इसी के बेस पर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर सके, राइट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म AT&T। AT&T फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले बात तो हमें AT&T का नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कि सी क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि कौन सी लैब में सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी, उस लैब का नाम तो AT&T है, तो मतलब यह है कि जिस लैब के अंदर सी लैंग्वेज को डेवलप किया था उसका नाम है AT&T, और यहाँ फुल फॉर्म क्या बनती है, फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर कौन सा ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, उसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी कह सकते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी डेवलप की गई थी, तो वो कौन सा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप करने के लिए पहले सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 256 कैरेक्टर्स होते हैं टोटल सी लैंग्वेज के अंदर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी पे क्लिक करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी पे क्लिक करें तो आपको मिलेगा रॉन्ग आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं, कीवर्ड अगर की बात की जाए कि कीवर्ड उसे बोलते हैं जो वर्ड सी लैंग्वेज में तो पहले से ही डेवलप किए गए हैं, पहले से बनाए गए हैं, उन्हें बोलते हैं कीवर्ड या रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। तो टोटल कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में 32, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 33 होते हैं पाइथन के अंदर, 16 किसी के अंदर नहीं होते, 256 ये कुछ और होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कीवर्ड्स
इन सी आर इन, यहाँ पर एक डैश है, इस डैश में क्या आ सकता है? अपर केस लेटर्स, बी ऑप्शन में कैमल केस लेटर्स, और ऑप्शन सी है लोअर केस लेटर, और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी रिजर्व वर्ड हैं, की वर्ड है, वो सभी लोअर केस लेटर में है, तो इस ब्लैंक एरिया में आएगा ऑप्शन सी लोअर केस लेटर। अगर आप कोई कीवर्ड को कैपिटल में लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी। कीवर्ड जो होता है वो लोअर केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट लिटरल यानी कॉन्स्टेंट, इनमें से कौन सा गलत लिटरल गलत कॉन्स्टेंट है? कॉन्स्टेंट कहते हैं जो वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। फाइव एक डिजिट की वैल्यू है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो फाइव इज द क्या है? कॉन्स्टेंट। ये करेक्ट कॉन्स्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट, इस पर ध्यान देना है। ए अल्फाबेट की कैटेगरी में आता है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो ए भी एक प्योर एक करेक्ट लिटरल होता है। ए बी सी होता है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग आती है डबल कोट्स के अंदर, ये भी करेक्ट है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? इनकरेक्ट कौन सा है? तो फोर यहाँ पे इनकरेक्ट वाला ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर से लगता है फोर लूप, लूप के लिए काम होता है। ये भी कॉन्स्टेंट होता है, ये भी कॉन्स्टेंट होता है, और सी भी कॉन्स्टेंट होता है, फोर कॉन्स्टेंट नहीं होता, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? जो नाम प्रोग्रामर डिफाइन करता है उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। द यूजर डिफाइन नेम भी कह सकते हैं, या एक ऐसा नाम जिसको प्रोग्रामर डिफाइन करेगा वो आइडेंटिफायर है। और नाम को डिफाइन करने के एक्चुअली कुछ रूल होते हैं। रूल यह है कि नाम की स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होनी चाहिए, नाम के अंदर अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर अलाउ है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई सिंबल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इन चीज़ों को रूल को फॉलो करते हुए ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2A हमने नाम को डिफाइन किया है, स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ कर लिया है जो कि आइडेंटिफायर रूल में अलाउ नहीं है। कोई भी नाम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से हो सकता है, कैपिटल स्मॉल दोनों चल जाएंगे, मिक्स चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों सब बाकी क्या है? इनकरेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन सी, वेरिएबल का नाम जब डिफाइन करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसको लाई करता है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? कहता है कि इट कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एज वेल एज स्पेस सिंबल। नाम में कह रहा है कि ये अल्फान्यूमेरिक भी ले सकता है और साथ के साथ उसके सिंबल भी ले सकता है, सिंबल नाम में अलाउ नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफायर का रूल है कि कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है, और वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। वेरिएबल लेंथ में भी अप टू 256, ये भी गलत है, वो होती है 131। वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद एनी डिजिट, ये सही है, कोई भी नाम वेरिएबल का हो, फंक्शन का हो, एरे का हो, किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which is the old identifier? इनमें से कौन सा ऐसा गलत है जो identifier नहीं हो सकता? किसे बोलते हैं identifier? जो नाम programmer define करता है, variable का नाम भी programmer define करता है, array का नाम भी करता है, function का नाम भी करता है, keyword तो नाम पहले से define है, reserve word है, इसलिए C is the correct answer। Next question, which of the following can't be a variable name in C? इनमें से वेरिएबल का नाम कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो नहीं हो सकता? ट्रू भी हम किसी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोर्ट भी रख सकते हैं, और वोलेटाइल रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो इस पे यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वोलेटाइल एक्चुअली एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर, और हम किसी भी कीवर्ड को किसी भी नाम में डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे वेरिएबल का नाम हो या कोई अदर्स नाम लाइक फंक्शन, स्ट्रक्चर, एरे, पॉइंटर, ये सब नाम में कीवर्ड अलाउ नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट इन सी, सी में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं होता? इंटीजर तो होता है, फ्लोट भी होता है, लॉन्ग भी होता है, कैर भी होता है, बट यहाँ पर पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ है, शॉर्ट में होता है यूज कैर, कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट यहाँ पर, यानी कि जो नहीं होता, इज नॉट, नॉट पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बाइट्स डज द इंटीजर टेक, इंटीजर कितनी बाइट लेता है? इसको आप बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इंटीजर मेमोरी के अंदर 2 बाइट भी ले सकता है, 4 बाइट भी लेता है,
टू भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। ये कैसे कंफर्म होगा? एक्चुअली ये डिपेंड करता है सी लैंग्वेज के कंपाइलर के ऊपर। अगर सी लैंग्वेज का कंपाइलर 32 बिट में है तो वहाँ पर 2 बाइट कंज्यूम होती है इंटीजर में, और अगर 4 बिट का है, सॉरी 64 बिट का है, तो वहाँ पर वो 4 बाइट लेगा। टर्बो जो कंपाइलर होता है टर्बो, वो 2 बाइट लेता है, और जो GCC कंपाइलर होता है वो 4 बाइट लेता है। तो 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इसलिए सी के ऑप्शन सही है, ए एंड बी दोनों हो सकता है। बट अगर यही क्वेश्चन आता है इसमें 4 है या 2 है, दोनों में से एक है, तो फिर आपको अगर 4 दिया हुआ है 2 नहीं है तो आपको 4 सेलेक्ट करना है, 2 दिया हुआ है 4 नहीं है तो फिर वहाँ पर 2 सेलेक्ट करना है। क्लियर है बात? तो 2 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ लॉन्ग डबल। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसे बोलते हैं जब हम किसी वेरिएबल की, किसी टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पे हम परसेंटेज डी लगाते हैं, परसेंट सी लगाते हैं, या परसेंट एफ लगाते हैं, तो उस परसेंट के साथ जो हम लेटर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इसने पूछा कि इनमें से डबल, लॉन्ग डबल का कौन सा है? भाई एफ जानते हो, एफ होता है फ्लोट के लिए, LF होता है डबल के लिए, LD होता है लॉन्ग इंट के लिए, और जो कैपिटल L स्मॉल F है, C ऑप्शन का LF और D ऑप्शन का LF, दोनों में कंपेयर करो, जो कैपिटल L है वो होता है लॉन्ग डबल का, इसका मतलब D ऑप्शन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइन इंट। अनसाइन इंट की रेंज कैपेसिटी क्या है वैल्यू शो करने की? पहली बात तो ये क्लियर करनी थी कि अनसाइन इंट होता क्या। एक्चुअली अनसाइन जो वर्ड है, जिस टाइप के साथ इसको यूज़ कर लिया, फिर उस टाइप में हम नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि जिस ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें नेगेटिव वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू रेंज होती है, ये होती है बी ऑप्शन की कैरेक्टर की रेंज, और 0 to 65535 ये है अनसाइन इंट की रेंज, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी नहीं है, और जो इंटीजर की रेंज होती है उनको आप प्लस में लेके ऐड करते तो ये बन जाता है 65535। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा उसे बोलते हैं जो डेटा टाइप बेसिक यानी फंडामेंटल टाइप से लेकर बनता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इनको लेकर बनाया जाता है, उनको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। तो इंटीजर तो अपने आप में फंडामेंटल है, ये तो हो नहीं सकता। फंक्शन को बनाने के लिए हम वर्ल्ड का यूज़ कर सकते हैं, इंट का यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट का कर सकते हैं, तो ये फंक्शन डेराइव कर रहा है टाइप को फंडामेंटल से, तो ये डेराइव डेटा टाइप है। लेकिन ये एरे के साथ भी हो सकता है, एरे इंटीजर की हो सकती है, कैरेक्टर में भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, तो एरे भी डेराइव है, इसलिए बी एंड सी दोनों डेराइव डेटा टाइप है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड मॉडिफायर। जो सही मॉडिफायर है इनमें से कौन सा है? मॉडिफायर उसे कहते हैं जो किसी भी टाइप को, बेसिक टाइप को मॉडिफाई कर देता है, उसको बोलते हैं मॉडिफायर। अगर इंटीजर है, सिंपल काम कर रहा है, उसकी रेंज को एक्सटेंड करना है तो हम लॉन्ग लगा देते हैं, फ्लोट के लिए डबल लगा देते हैं, लॉन्ग डबल लगा देते हैं। तो लॉन्ग जो होता है यहाँ पर एक्चुअली वो रियल में वैलिड मॉडिफायर है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे, यही करेक्ट आंसर है, बाकी के इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वॉइड। वॉइड के बारे में इनमें से कौन सा सही सेंटेंस है? वॉइड एक कीवर्ड है, राइट है भी। वॉइड इज प्रीमिटिव डेटा टाइप है, ये भी सही बात है। वॉइड डिक्लेयर्स ए फंक्शन विदाउट रिटर्न एनी वैल्यू, ये भी सही है। इसके जब सारे ऑप्शन सही है तो यहाँ पर आ जाएगा डी ऑल, तो ऑल इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कैटेगरी डज द ऑपरेटर बिलोंग टू। ये जो ऑपरेटर है जो लिखा है, कौन से ऑपरेटर की कैटेगरी से बिलोंग करता है? रिलेशनल में आता है, लॉजिकल में आता है, कंडीशनल में आता है, या बिटवाइज में आता है? तो ये जो एंड ऑपरेटर है, ये अगर डबल लगा दें या डबल एंड कर दें तो ये बन जाता है कंडीशनल, सॉरी लॉजिकल। अगर सिंगल लिखा हुआ तो ये बन जाता है बिटवाइज। तो सिंगल एंड डबल एंड में ये फ़र्क है, सिंबल सिंगल जो एंड है वो बिटवाइज में आता है, बिटवाइज एंड पढ़ा जाएगा, डबल एंड है तो लॉजिकल एंड पढ़ जाएगा। तो इसी कैटेगरी कौन सी होती है? ऑप्शन सी, बिटवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कंडीशनल ऑपरेटर, इनमें से कौन सा ऑपरेटर कंडीशनल है? तो कुछ बच्चे कंडीशन चेक करती है ग्रेटर देन से, इससे कन्फ्यूज होकर ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा रॉन्ग आंसर। कंडीशनल ऑपरेटर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, इसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर कैटेगरी में कुछ नहीं आता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन ए ये होता है कंपेरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑप्शन बी होता है बिटवाइज ऑपरेटर, ऑप्शन डी होता है लॉजिकल ऑपरेटर, और ऑप्शन सी क्या है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। टर्नरी ऑपरेटर आ जाए या कंडीशनल आ जाए, इसी का ये आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए क्या आएगी। एक्स इक्वल टेन एंड फाइव, टेन एंड फाइव, एक्चुअली ये जो एंड है ये तो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आंसर देता है, और ट्रू आंसर देता है जब जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो ट्रू आंसर देगा एंड, अगर कोई भी एक फॉल्स होगी तो आंसर देगा फॉल्स। बट यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है, ये टेन है कोई कंडीशन नहीं है कि वैल्यू है, सिंपल फाइव भी वैल्यू है, तो यहाँ पर होता है स्टूडेंट कन्फ्यूजन। आप जानते हो कि कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी है, जीरो वन। जीरो कंप्यूटर के लिए होता है फॉल्स और वन होता है ट्रू। वन को छोड़ के सपोज करो, सॉरी जीरो को छोड़ करके जो भी नॉन जीरो वैल्यू है, पॉइंट की हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू हो, वो ट्रू ही मानी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह होगा कि जो टेन है नॉन जीरो वैल्यू है तो ये ट्रू होगा, फाइव भी नॉन जीरो है तो ये भी ट्रू होगा। तो ट्रू एंड ट्रू जब आएगा तो आंसर आएगा ट्रू। और कंप्यूटर के लिए सी लैंग्वेज के अंदर जो ट्रू आंसर होगा वो जीरो वन की फॉर्म होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सी लैंग्वेज में ट्रू आंसर वन होगा, फॉल्स आंसर जीरो होगा। तो दोनों कंडीशन टेन भी नॉन जीरो है और फाइव भी नॉन जीरो है, तो आंसर क्या आएगा ट्रू, और किस फॉर्म आएगा वन की फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां से फिर से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन ग्रेटर देन फाइव, फाइव ग्रेटर देन टू, तो ये आंसर भी जीरो वन की फॉर्म आएगा। आप जानते हो कि सी लैंग्वेज के अंदर अब आंसर जो आएगा ट्रू फॉल्स का वो जीरो वन की फॉर्म आएगा। तो आपको लग रहा होगा देखने में कि टेन फाइव से ग्रेटर है, ट्रू है, तो जब ये ट्रू हो गया तो फाइव भी टू से ग्रेटर है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा वन। आप वन पर क्लिक करते ही आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये गलत आंसर है, इसका सही आंसर है जीरो। अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। इसका रीज़न एक्चुअली इसलिए है, पहली कंडीशन क्या है कि टेन ग्रेटर देन फाइव, ये बात सही है। पहली बात आपने देखा कि टेन ग्रेटर देन फाइव है, इसको हमने देखा पहली कंडीशन होगी ट्रू, और ट्रू कंप्यूटर में क्या होता है वन, तो इसका आंसर आ गया इतना वन। फिर आगे बन गई ये एक्सप्रेशन इस तरह था कि वन ग्रेटर देन टू, ये ऐसे बन गई। अब ये वन टू से ग्रेटर होता नहीं, तो जब नहीं होता तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आ जाएगा, और जब फॉल्स आएगा वो आंसर क्या होगा फॉल्स का जीरो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ भी एक्स की वैल्यू बतानी है, सिंपल है। एक्स में वैल्यू है 50, 50 एक्स की वैल्यू, और जब यहाँ पर लिखा एक्स रिमाइंडर इक्वल टू 8, जब 8 असाइन होगा एक्स में उसके साथ लगा हुआ है रिमाइंडर का सिंबल, रिमाइंडर क्या आएगा 8 से 50 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो बचेगा वो आंसर होगा। और आप 8 का टेबल चलाइए 50 के ऊपर, 8 सिक्स जाए 48, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो जो 2 कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सी में है, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। अब आप अगर आप डिवाइड वाले केस लेते तो ये आंसर गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये एक प्रोग्राम गिवन है, इसका आपको आउटपुट बताना है। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 6 है, और फ्लोट में एक वेरिएबल है सी, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ये आपको ध्यान देना है कि ए की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं बी की वैल्यू से, मीन्स 20 को डिवाइड किया जा रहा है 6 से। अगर हम आपको इसको समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 20 को डिवाइड किया जा रहा है, 20 को डिवाइड किया जा रहा है 6 से, इस तरह से। तो आंसर क्या आएगा, जाहिर सा पॉइंट में आंसर आएगा 6 थ्री जा 18, तो 3 आ गया एक बार, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद पॉइंट लगा ले, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 ऐड कर लें, फिर से 20 बन जाएगा, तो 6 थ्री जा फिर से वही आ जाएगा 18, तो पॉइंट 3 आ जाएगा, फिर डिवाइडमेंट बचेगा, फिर वो ये ऐसे चलता जाएगा 3 3 3 चलता जाएगा 3.33। अगर आपको ये लगता है और आप इसको समझ के ऑप्शन सेलेक्ट करते हो सी, तो होगा गलत, ये मुझे आपको समझाना था।
ये आपको ध्यान रखना है कि जब डिवीजन हो रहा हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन किसके साथ हो रहा है, इंटीजर के साथ हो रहा है या फ्लोट के साथ हो रहा है। अब आप ध्यान दो कि ए की वैल्यू कैसी है इंटीजर में, बी कैसा है इंटीजर में। जब दोनों इंटीजर में डिवीजन होता है तो आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। जब आंसर इंटीजर में आएगा तो उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल फ्लोट का है इंटीजर का, वो बाद की बात है। फ्लोट वेरिएबल पॉइंट ले लेता है, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं निकला, ओनली थ्री आंसर आया है। और जब सी में जाएगा तो थ्री पॉइंट फ्लोट उसको जीरो लगाएगा, ना कि कंप्लीट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या समझ में आया कि जब भी किसी दो इंटीजर में डिवीजन होगा तो आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, इंटीजर में आएगा। ओके, क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें लिखा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक प्रोग्राम रखा। यहाँ पर भी आपको बताना है, थोड़ा आपको ध्यान देखना है कि ये किस तरह से इसको सोल्व कर रहा है। ए की वैल्यू है यहाँ पर 5, बी की वैल्यू 5 है। इसको लिख लेते हैं a इक्वल टू फाइव ले लिया और b इक्वल टू भी मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। ये लिखने के बाद समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे प्रिंट किया a इक्वल a प्लस प्लस। प्रिंट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट साथ प्रिंट है तो उस पर रूल लगता है। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ प्रिंट कर रखा है, अब ये आपको चेक करना कि पोस्ट इंक्रीमेंट है प्री इंक्रीमेंट है। प्री पोस्ट की पहचान नहीं होती कि अगर ऑपरेंड से पहले ऑपरेंड लगा रखा है तो प्री होगा, ऑपरेंड के बाद है तो पोस्ट होगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेंड ए के बाद लगा हुआ है तो मतलब पोस्ट है, और पोस्ट होता है बाद में उसका काम इंप्लीमेंट होता है। तो ए की वैल्यू 5 है तो पहले 5 आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगी, ए इक्वल टू 5 आ जाएगा। प्रिंट होने के बाद ए की वैल्यू मेमोरी में चेंज हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्रिंट करने के बाद ए हो जाएगा 6। जब ये इस लाइन पर आएगा, इसका काम हो चुका, आउटपुट पर आ चुका a इक्वल टू 5 यहाँ तक का। फिर प्लस प्लस a करके आप b को असाइन कर रहे हो, b है प्लस के साथ असाइन। तो यहाँ पर आप चेक करो कि इंक्रीमेंट कौन सा है, प्री। प्री मीन्स क्या होता है, पहले। अब a की वैल्यू 6 हो चुकी थी प्रिंट करने के बाद, अब वो जब असाइन हो रही है प्री के साथ तो पहले a की वैल्यू 7 हो जाएगी, उसके बाद असाइन होगी। जब 7 b में जाएगा, यहाँ b में आएगा 7, बी में प्लस लगा हुआ है तो बी की वैल्यू में आकर 7 ऐड हो जाएगा। बी में कितना है 5, तो 7 5 कितना होगा 12, तो बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 12 इस वाले स्टेटमेंट से। जब बी को प्रिंट किया प्री इंक्रीमेंट के साथ किया, तो प्री मतलब पहले हो जाएगा, पहले बी में इंक्रीमेंट होगा देन प्रिंट होगा। तो पहले बी में क्या हो जाएगा 13, जब प्रिंट करेंगे तो बी की वैल्यू 13 प्रिंट हो जाएगी। तो ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 13 ये आंसर आया है। अब चेक कर लो कि ये ऑप्शन कौन से वाला ऑप्शन है। अब आप देख लो a इक्वल टू 5, b इक्वल 13, ये सी ऑप्शन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की वैल्यू यहाँ पे भी गिवन है, a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे मेरे सामने 5 और b के में आंसर आएगा कैसे। पहले इसको लिखते हैं, ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5। ओके, अब प्लस प्लस ए प्लस ए, एक एडिशन है एक इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया, अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीज होगी वैल्यू, ए की वैल्यू पहले 6 हो जाएगी, उसके बाद सभी कैलकुलेशन होती है। पहले इंक्रीमेंट होता है प्री वाला, या डिक्रीमेंट हो इंक्रीमेंट हो, पहले प्री वाला काम होता है, ध्यान रखना। ब्रैकेट के बाद अगर कोई सबसे बड़ा ऑपरेटर रहा है वो प्री होता है, इंक्रीमेंट में हो या डिक्रीमेंट में हो। तो प्री पहले सोल होगा ऐड करने से पहले, तो ये पहला सोल होगा 6 होगी। अब ए की वैल्यू 6 है, ध्यान रखना, जहाँ भी एक्सप्रेशन में अब ए लिखा हुआ है तो हमें उस ए की जगह 6 को पुट करना है। तो यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, तो 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। तो बी को क्या वैल्यू मिल जाएगी 12, बी को आंसर मिल जाएगा 12। अब ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 12 है, कौन सा ऑप्शन में आप देख लो, ये ऑप्शन बी में ए 6 है और बी 12 है। तो अगर मैं इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है, लेकिन इस बार पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ है। ए की वैल्यू वही पहले वाली गिवन है, ए में वैल्यू डाल रखी है यहाँ पे 5, ए की वैल्यू कितनी है 5, और बी में आंसर आएगा यहाँ पे भी, बी में क्या आंसर है देखते हैं। ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीज करेगा वैल्यू, तो अभी ए की वैल्यू 5 ही रहेगी,
कोई इंक्रीमेंट नहीं है, 5 ही रहेगी, अब दोबारा से भी ए है, तो ए प्लस ए वैल्यू 5 पुट होएगी दोनों एक ही जगह, तो ए प्लस ए बोलता है कि 5 + 5 आंसर आ जाएगा 10। जब 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी यहाँ से, 100 लो का वैल्यू असाइन बी में हो जाएगी, उसके बाद पोस्ट अपना काम करेगा, सबसे बाद में वैल्यू ए को 6 कर देगा। अब फाइनली ए 6 है और बी 10 है, ये वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ए 6 बी 10 ये ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ए 6 है बी 10 है। अगर मैं इसको अब सेलेक्ट करता हूँ ऑप्शन डी को इज द करेक्ट आंसर, बाकी के सभी इनकरेक्ट आंसर है। अब आगे क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 29, जिसमें ए की वैल्यू गिवन है, इसमें भी इंक्रीमेंट के साथ ही है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑपरेटर निकालने के लेते हैं और ऑपरेटर के बेस पर आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसके बेस पर लेता ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है गिवन, ए की वैल्यू 5 है, वही 20 बार बी की वैल्यू भी बतानी है दोनों की। इंक्रीमेंट एक पोस्ट है एक प्री है, तो पहले क्या सोल्व होगा, पहले प्री सोल्व होगा, प्री से ए की वैल्यू 5 खत्म जाएगी 6 बन जाएगी। अब पोस्ट इसी वैल्यू को, इसी 6 वैल्यू को पोस्ट बाद में इंक्रीमेंट करेगा 7 करेगा, लेकिन जो प्री वैल्यू सेट करता है एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल के जगह प्री वाली वैल्यू पुट होती है, तो यहाँ भी 6 पुट हो जाएगा, यहाँ भी 6 पुट हो जाएगा, तो 6 + 6 ए बी में आ जाएगा 12। अच्छा 12 असाइन हो जाएगा बी में, पोस्ट उस बाद में अपना काम करेगा, उस ए की वैल्यू को 7 कर देगा। तो ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू 12 कौन से ऑप्शन में है, ए 7 बी 12, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह का ही है, यहाँ पर दोनों ही पोस्ट इंक्रीमेंट लिए हुए हैं। इस वाले केस में क्या होगा, ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू 5 लिख लेते हैं और बी में वैल्यू बतानी है और ए की बतानी है, चलो ये 5 है, ये 5 इस तरह से 5। अच्छा यहाँ पे दोनों ही पोस्ट है तो दोनों ही बाद में इंक्रीज करेगा वैल्यू, पहले असाइन हो जाएगी कैलकुलेट होके, तो एक वैल्यू अभी इंक्रीमेंट नहीं होगी, दोनों पोस्ट है, यहाँ भी 5 रखा जाएगा, यहाँ भी 5 रखा जाएगा, तो 5 + 5 कितना होता है 10, तो बी को मिल जाएगा 10। जब बी को 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी उसके बाद ये वाला पोस्ट ऑपरेटर इसको 6 करेगा, उसके बाद दूसरा भी पोस्ट है वो उस ए को 7 करेगा, तो ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 10 है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। इसमें देखो ए 7 और बी 10, ए 7 बी 10 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी पर क्लिक करो, ये करेक्ट आंसर है, समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है दोनों हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम निकालते हैं ए की वैल्यू गिवन है 5, ए की वैल्यू 5 गिवन है, और इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें बी में भी आंसर आएगा, ए की वैल्यू बतानी है, बी की बतानी है। अच्छा इसमें प्री डिक्रीमेंट है और पोस्ट इंक्रीमेंट है, मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो प्री सबसे पहले सोल्व होगा ब्रैकेट के बाद, तो पहले ये सोल्व होगा, इसने ए की वैल्यू को माइनस कर दिया 4 कर दिया। पोस्ट इंक्रीमेंट इस ए में बाद में इंक्रीज करेगा इस ए में ही, लेकिन अभी प्री ने वैल्यू क्या सेट किया है 4, अब ए की जगह 4 रखा जाएगा, यहाँ पर भी 4 रखा जाएगा और यहाँ पर भी 4 रखा जाएगा, तो 4 + 4 कितना होता है 8, तो बी में आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद पोस्ट उस ए को दोबारा से क्या करेगा, एक इंक्रीज कर देगा, तो फाइनल ए की वैल्यू हो जाएगी 5। प्रिंट करने से पहले ए 5 है और बी कितना है 8 है, तो ये वाला ऑप्शन देखो, ए में 5 और बी में 8, ए में 5 बी में 8, ये ऑप्शन ए वाला राइट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए की वैल्यू रखी है बी की रखी है सी में आंसर बताना है। ए की वैल्यू कितनी है, आप इसको भी लिख कर समझ सकते हो, ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5 और बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7। ये यहाँ पे यूज हो रखा है कंडीशनल टर्निंग ऑपरेटर, ये है कंडीशनल ऑपरेटर। इन क्वेश्चन मार्क के साथ एक स्टेटमेंट है, एक वेरिएबल है, एक कोलन के साथ है, इन दोनों में से एक वैल्यू जाएगी सी के पास, वो कौन सी जाएगी वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो ए जाएगा सी में, कंडीशन फॉल्स है तो बी जाएगा सी में,
अब फाइनली कंडीशन निकाल लो भाई कि आंसर कंडीशन क्या है। ब्रैकेट में लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी के बराबर नहीं है, वैल्यू ये है ए बी के बराबर नहीं है, बात सही है, तो ये है ट्रू। लेकिन बाहर क्या है इसके नोट, ये है नोट इस तरह से। अब नोट ट्रू का मतलब क्या होता है, नोट क्या करेगा ट्रू को फॉल्स बना देगा। तो फाइनली जो कंडीशन का आंसर है वो है फॉल्स। और जब फॉल्स होता है कंडीशन का आंसर तो कोलन की जो वैल्यू है वो जाएगी वेरिएबल के अंदर सी में, और सी में जाएगा बी, बी के पास क्या वैल्यू है 7, तो सी इक्वल टू 7। तो ऑप्शन बी में सी इक्वल टू 7 लिखा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंडीशनल के ऊपर ही है, ये है नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर, इसको आपको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। एक कंडीशन यहाँ पे है, एक कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन के अंदर कंडीशन है। अब आंसर 7 आएगा एक्स में या 3 आएगा या 2 आएगा, इसको ध्यान से आपको समझना है। जब पहले ये कंडीशन चेक करें, फर्स्ट वाली, फर्स्ट कंडीशन है ट्रू, क्योंकि 150 से ग्रेटर है, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के पास जाएगा, यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर, यहाँ पर मूव करेगा। यहाँ मूव करने से क्या होगा, यहाँ मूव किया, चेक किया क्या 10 <5 है, ये फॉल्स है। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स। जब सेकंड फॉल्स है तो क्या होगा, सेकंड का कोलन कौन सा है, इसमें होता है कन्फ्यूजन कि ये वाला आ जाएगा या वाले वाला जाएगा। अब आप देखो, एक बात देखो कि अगर फर्स्ट कंडीशन मान लो फॉल्स हो जाती तो ये कहाँ आता है, ये सब कुछ छोड़कर सबसे बाहर आता है यहाँ पर, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती ये वाली। लेकिन अगर ये ट्रू है तो अब ये इसके पास तो जाएगा नहीं, मतलब अब आंसर ये तो होगा नहीं, ये तो बात कन्फर्म है, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी। सेकंड फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है तो इसका कॉलम ये वाला है 3, क्योंकि अगर ट्रू होती सेकंड वाली भी तो 7 आ जाता। फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, सीधा कॉलम पे ये वाली 3 वैल्यू जाएगी सी के पास, तो सी सॉरी एक्स में, एक्स में वैल्यू आएगी 3, तो बी ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 3 मेंशन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्स में वैल्यू क्या आएगी ये बताना है, जबकि 5 and 6 ये कौन सा ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये बिट वाइज ऑपरेटर है, और बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, बिट बाई बिट काम करता है बाइनरी वैल्यू के ऊपर। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको बाइनरी वैल्यू पता होनी चाहिए, बाइनरी निकालना आना चाहिए। 5 की बाइनरी होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 5 की बाइनरी होती है 101, और 6 की बाइनरी होती है 110, ये होती है 110, ये होती है 6 की बाइनरी। अब बिटवाइज क्या करता है, बिटवाइज एंड ये दोनों वैल्यू में जो दोनों नंबर आए हैं बाइनरी नंबर, उनकी बाइनरी वैल्यू में कंपेयर कर रहा है, और आंसर 1 देगा 0 देगा। 1 तब देगा जब दोनों बिट 1 होगी, अदरवाइज 0 देगा। बिट वाइज एंड को दोनों बिट 1 मिलते हैं तो 1 आंसर देता है, वरना 0 आंसर देगा। तो इनमें कंपेयर करो, क्या 101 होता है, नहीं, तो ये है 0, फिर 01 भी 0 आ जाएगा, 0 क्योंकि दोनों 1 चाहिए इसको, 1 और 1 यहाँ पे 1 है, ये आंसर देगा 1। तो ये जो 100 आंसर आया है, इसका डेसिमल में आंसर क्या बनेगा, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये डेसिमल बनेगा 4। अब देखते हैं कि x में 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में x की वैल्यू 4 है, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बाइनरी और डेसिमल आपको करना आना चाहिए, तब आपकी समझ में आएगा ये। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे अभी x की वैल्यू बतानी है। अब इसमें XOR बिटवाइज XOR यूज कर रखा है। बिटवाइज XOR कहना है कि जो भी बाइनरी बिट होगी, अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो 1 आंसर आएगा, अगर दोनों सेम है तो 0 आएगा, मतलब 1-1 पे 0 आएगा, 0-0 पे 0 आएगा, 0-1 पे या 1-0 पे डिफरेंट वैल्यू पे 1 आएगा। तो यहाँ पे 5 की बाइनरी भी निकाली थी हमने, वो होती है 5 की बाइनरी 101, और 6 की होती है 110, ये हमने निकाल ली। अब बिट वाइज XOR यानी कि ये क्या कर रहा है, इनमें कंपेयर कर रहा है, क्या ये दोनों 1 है, नहीं है, सॉरी, क्या दोनों डिफरेंट है, 1 और 0 डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1, ये दोनों सेम हो गए, सेम पर आंसर आएगा 0, तो ये आंसर आया 0। हमें कंसिडर कहाँ से करना है, जहाँ से 1 आया, ये पहली वैल्यू 1 पर आती है, दूसरी वैल्यू 2 पर आती है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो एक्स इक्वल टू 3 कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात ये,
तो इस तरह से बिटवाइज काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये भी आपको समझना है। x इक्वल टू बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट 5। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, जिसके साथ भी आपने इसको यूज़ किया, सिंपल सा भी है इसका याद रखने का, उस जिसके साथ भी आपने इसे यूज़ किया है उसकी वैल्यू में एक इंक्रीज करना है डेसिमल में ही, यानी जैसे 5 है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट 5 है तो 5 में एक वैल्यू इंक्रीज कर दो, 6 हो जाएगा, और जो 6 हो जाएगा लेकिन ये बिटवाइज ऑपरेटर उसका साइन भी चेंज कर देता है, अगर 5 प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस में तो प्लस मान से रहता है, तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट प्लस 5 का आंसर आएगा माइनस के 6। अगर ये ऐसा होता है कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट माइनस 5 अगर होता तो माइनस 5 में प्लस 8 ऐड करो 1, प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, और ये नेगेशन क्या करता है, ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, साथ में साइन भी चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 4 आंसर आता है, अगर माइनस के साथ हम ये कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं इस तरह से तो आंसर आता है ये वाला, लेकिन ये प्लस के साथ लगा हुआ है तो आंसर माइनस में आएगा, 1 ऐड हो पाएगा, तो माइनस के 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम, सी के प्रोग्राम में क्या रिक्वायरमेंट है जिसके बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा, मेन चीज, द प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, द प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फंक्शन, इनपुट डेटा आउटपुट डेटा, बिना इनपुट के प्रोग्राम चल जाएगा, बिना आउटपुट के चल जाएगा, और द फंक्शन डज नॉट है, यानी कोई इसको क्या है कि द प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फंक्शन, ये भी गलत है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें एटलीस्ट वन फंक्शन चाहिए, दैट इज मेन फंक्शन, बिना मेन फंक्शन के कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा सी लैंग्वेज में, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसको मेन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्केप सिक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप सिक्वेंस कैरेक्टर होता है जो \n\t\b आपने पढ़े होंगे, यूज़ किए होंगे, उन सभी को कहते हैं एस्केप सिक्वेंस कैरेक्टर, वो कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें \\\ भी होता है जिससे \\ प्रिंट हो जाएगा, \0 से वैल्यू नल होती है, \d ये कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इससे भी \\ प्रिंट होता है, इससे नल होता है, और \\n से लाइन चेंज होती है, ये सारे गलत आंसर है। इसने पूछा है कि इज नॉट कौन सा नहीं है, तो \d एस्केप सिक्वेंस कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, हाउ मैनी ट्रांसलेटर आर देयर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने ट्रांसलेटर होते हैं, बट ट्रांसलेटर उसे कहते हैं जो हमारे कोड को, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वो ट्रांसलेटर है। ये काम करने के लिए हमारे सी लैंग्वेज में होता है कंपाइलर, पाइथन में होता है इंटरप्रेटर, जावा में दोनों होते हैं कंपाइलर भी इंटरप्रेटर भी, एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, उस असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है असेंबलर, तो इसलिए कह सकते हैं कि टोटल जो ट्रांसलेटर होता है वो 3 ट्रांसलेटर है, इसलिए इसको ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसमें बताना है कि आई और जे की वैल्यू प्रिंट करें तो क्या आएगा, आई की वैल्यू है ये और जे की वैल्यू है 65 और आई की वैल्यू क्या है 065। अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट करके स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू मानी जाती है ऑक्टल वैल्यू, और ऑक्टल वैल्यू बाई अगर डेसिमल कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 65 का ऑक्टल डेसिमल क्या बनता है, वो बनता है 53। आप इसको अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो कर सकते हैं, इस 065 का ऑक्टल नंबर का जो 65 है इसका ऑक्टल बन का आएगा 53। वो कैसे बन का आएगा, आप इसको ऑक्टल को जब डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर जीरो लगाएंगे, फिर इससे करेंगे पावर जीरो लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊं कि 65 को डेसिमल बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 × 8 की पावर 0, फिर इसकी को मल्टीप्लाई 6 × 8 की पावर, ये आप समझ, यहाँ पर अच्छे से राइट नहीं हो रहा, पावर 1। अब किसी की पावर 0 होती है, ये 0 है, यहाँ पर 6 नहीं है, 0 है, कभी आप कन्फ्यूज हो, 0 है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो आता है 1, तो यहाँ पर 1 × 5 तो क्या आंसर आ जाएगा 1। ओके, यहाँ से क्या आंसर आएगा 5, 1 जा 5,
क्या आंसर आया यहाँ पे? 5। इसका आंसर आएगा यहाँ पे 5। ओके, अब किसकी पावर 1 है तो वो 8 बन जाए, 8 रहेगा, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5, यहाँ से क्या आंसर आएगा? 48 आंसर आ जाएगा, और उसमें 5 ऐड कर दो, क्या बनेगा? 53। तो 53, और ये जो जे की वैल्यू है ये अपने आप में डेसिमल है, तो 53 दो आंसर आएगा आई का, और जे का आंसर आएगा 65। तो ये ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, क्या लिखा? एक तो पहला है 53 और दूसरा है 65, पहला आई की वैल्यू प्रिंट हुई फिर जे की प्रिंट हुई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, इसमें ए की वैल्यू है 5 और इसको ऐसे प्रिंट किया हुआ है, आपको इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ प्रिंट होती है वैल्यू प्रिंट एफ में मोर देन वन टाइम, तो आपको कंसिडर करना है कि राइट साइड से प्रिंट करते हुए चलना है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 5। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू गिवन है 5, मैंने लिख लिया ए की वैल्यू है 5, प्रिंट किया। अब इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट है, अब इंक्रीमेंट कौन सा है, प्री है पोस्ट है देखना पड़ेगा, यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू बाद में इंक्रीज होगी, पहले प्रिंट होगी, मीन्स पहले 5 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट पे, पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, देन एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू सॉरी, ए की वैल्यू हो जाएगी 6। जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये भी प्री पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट है, यहाँ भी पोस्ट है, यहाँ भी पोस्ट था, तो ये 6 प्रिंट करके, एक वाली 6 हो गई थी प्रिंट करने के बाद, अब यहाँ पे भी 6 प्रिंट करेगा, ऐसे 6 प्रिंट करेगा इस तरह से, और प्रिंट करने के बाद वो वैल्यू पोस्ट की वजह से बाद में 7 हो जाएगी। जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ए में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू क्या है इस टाइम? 7, तो ये 7 प्रिंट करेगा। तो 7 6 5 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन सी, 7 6 5, ये इसका आंसर है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो करेक्ट आंसर सी है, राइट, समझ आ गया? तो इस तरह से हमें सोल्व करना है, इंक्रीमेंट है तो राइट साइड से लेना है। यहाँ पर लिखा कि एस्काई कोड स्टैंड्स फॉर, एस्काई कोड की फुल फॉर्म पूछी है कि क्या है। एस्काई कोड की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53, विच इज द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट साइज ऑफ, साइज ऑफ के बारे में कौन सा मतलब सही है? साइज ऑफ एक कीवर्ड भी होता है, ये भी सही है, एक ऑपरेटर भी होता है, ये भी सही है, ये किसी भी टाइप का साइज रिटर्न करता है, ये भी सही है, तब सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है? तो साइज ऑफ कीवर्ड भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, और रिटर्न करता है साइज किसी भी टाइप का। एग्जिट फंक्शन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल, इनमें से कौन सी हेडर फाइल में एग्जिट फंक्शन आता है? प्रोसेस डॉट एच हेडर फाइल, एसटीडीएलआईबी डॉट एच हेडर फाइल, बोथ ए बी एंड या कोनियो। प्रोसेस के अंदर भी आता है, एसटीडीएलआईबी के अंदर भी आता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों में आता है ये एग्जिट फंक्शन, इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्स एक वेरिएबल है मेरे पास और यहाँ पे प्रिंट कुछ अलग तरह से किया हुआ है, यह आपको ध्यान, प्रिंट किया हुआ है हेलो और प्रिंट करने के बाद आंसर लिया है एक्स में, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंट फंक्शन वैल्यू आंसर रिटर्न करता हो? अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें आएगी एरर, अगर पॉसिबल है तो क्या आएगा? सबसे पहले बात, ये पॉसिबल है तो एरर तो नहीं आएगी, यानी ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो क्या होगा? सबसे पहले तो प्रिंट वाला कायम होगा, हेलो तो प्रिंट एक्चुअली हो ही जाएगा, हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया, हेलो तो आउटपुट पे प्रिंट हो गया। उसके बाद एक्स में क्या आंसर आएगा? जब कोई फंक्शन प्रिंट फंक्शन अपने डेटा को प्रिंट करता है, उस डेटा की लेंथ क्या है, चाहे वो डिजिट में हो या अल्फाबेट में हो, कुछ भी हो, वो कितने कैरेक्टर है? अब हेलो में कितने कैरेक्टर है, कितनी लेंथ है? 5। तो एक्स को यहाँ से आंसर मिल जाएगा 5, और जब हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये हेलो के बराबर में 5 को प्रिंट करेगा, क्योंकि हेलो की लेंथ क्या है? 5। तो हेलो 5 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा है हेलो 5, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसमें भी आपको बताना कि आउटपुट क्या आएगा।
यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पास एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का और उसकी वैल्यू है ए, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और उस इंटीजर टाइप की वैल्यू में कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन किया हुआ है, तो इससे क्या हो, क्या चल जाएगा, एरर आएगी नहीं आएगी? अगर ऐसे एरर आती है तो ऑप्शन ये वाला है, लेकिन यहाँ पर वही बात है कि मैं कन्फर्म कर दूँ इससे एरर नहीं आएगी, तो ये वाला ऑप्शन तो अभी भी नहीं होने का, आंसर आएगा प्रॉपर आएगा, वो कैसे आएगा ये बताना आप, चाहिए समझना है। आप जानते हो कि जितने भी हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं सबके ASCII कोड होते हैं, जहाँ पे कैपिटल ए जो होते हैं कैपिटल वाले लेटर ए, इसका ASCII कोड स्टार्ट होता है 65 से, जब अगर कैपिटल बी आएगा तो 66 आ जाएगा। इसी तरह से स्मॉल ए का ASCII कोड स्टार्ट होता है, वो होता है 97 से। अब इंटीजर जो होता है, ASCII कोड भी एक इंटीजर वैल्यू होती है जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल CH को होल्ड कर रहा है, CH में है कैरेक्टर अल्फाबेट ए, तो उस ए को तो ले नहीं पाने का, लेकिन उसका इंटीजर ASCII कोड यानी 65 ले लेगा। तो यहाँ पे एक्स में क्या आ जाएगा, 65, जब प्रिंट करें तो आंसर आएगा 65, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन क्या है इसका, सही है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ भी आउटपुट बताना है, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम आते हैं ना जो कंफ्यूज करते हैं। फ्लोट का वेरिएबल है, उसके पास एक्स में 123.987 और उसको प्रिंट किया हुआ प्रिंट एफ में कुछ इस स्टाइल में, परसेंटेज 0.1f, अगर मैं 0.1f हटा दूँ तो ये पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 123.987, लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि 0.1f है, इसलिए कहता है कि मुझे पॉइंट के बाद वन प्लेस तक वैल्यू चाहिए, पॉइंट के बाद, तो ये पॉइंट के बाद वन प्लेस तक वैल्यू आएगी, वो ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। अब ये वाली तो है नहीं, ये तो बात कंफर्म हो गई, क्योंकि पॉइंट के बाद ये वैल्यू चाहिए। राउंड फिगर में आती है, राउंड फिगर लगाता है, पॉइंट के बाद आपको ये वाली वैल्यू चाहिए एक, ओके। अब ये 9 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी पड़ रही है 9 के बाद, 8, ये पड़ रही है 8। अगर वो नेक्स्ट वैल्यू 5 या उससे ग्रेटर है तो प्रीवियस वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाता है। राउंड फिगर मतलब ये होता है कि जो राउंड फिगर आप लगा रहे हो, जितनी वैल्यू का लगा रहे हो, उससे नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 उससे ग्रेटर है तो प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। तो जो 9 में एक ऐड हो जाएगा ये तो हो जाएगा 0, तो 9 में क्या बन जाएगा 0, और फिर वो 0 के बाद 1 जाएगा इधर, तो 123 का क्या हो जाएगा 124, तो ये हो जाएगा 124.0। अब देखो 124.0 कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप इसको प्रैक्टिकल में चेक कर सकते हैं, राउंड फिगर लगता है, अगर आप उसको पॉइंट के साथ 1.2, 0.3, 0.4 जितने भी आप राउंड फिगर में चाहते हो तो उसके बाद फिर राउंड फिगर लग के आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम दे रखा है, इसमें भी आपको थोड़ा समझना है, ये भी कंफ्यूज कर रहा है कि प्रिंट एफ के अंदर भी प्रिंट एफ क्या ये चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, तो एरर तो है नहीं, यानी ये ऑप्शन तो आने का नहीं। अब पहले अंदर वाला प्रिंट एफ तो क्या कर रहा है, अंदर वाला प्रिंट एफ परसेंटेज 25 को प्रिंट कर रहा है, तो मतलब 25 प्रिंट हो जाएगा पहले प्रिंट एफ से, ये बात क्लियर है, ये 25 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि प्रिंट एफ फंक्शन अपने डेटा को प्रिंट करके उसकी लेंथ जितनी होती है वो रिटर्न करता है, अब यहाँ से वो रिटर्न करेगा वैल्यू, इसको डेटा की लेंथ कितनी है, 2 कैरेक्टर, 82 और 5, जितने भी हम चीज़ें प्रिंट करते हैं वो सब कैरेक्टर काउंट करता है, 2 अलग कैरेक्टर का है और 5 अलग कैरेक्टर है, तो दो कितने कैरेक्टर हो गए, 2 कैरेक्टर, तो डेटा की लेंथ कितनी है 2, तो ये जाएगी वैल्यू इसके पास, यहाँ से इसको मिल जाएगा 2, और जब 2 मिलेगा तो ये वाला प्रिंट एफ इस 2 को प्रिंट करेगा इसके बगल में बराबर में, तो आंसर क्या बन जाएगा 252। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पहले अंदर का प्रिंट होगा, वैल्यू प्रिंट जाएगी 25, उसकी लेंथ 2 है, वो मिल जाएगी बाहर वाले प्रिंट एफ को, उसकी लेंथ को प्रिंट कर देगा पहला प्रिंट एफ, तो बन जाएगा 252। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये भी आपको समझना है, इसमें क्या दिया हुआ है, 0x वैल्यू जो होती है वो होती है हेक्सा, हेक्सा वैल्यू एक्चुअली उसमें होती है 16 डिजिट, हेक्सा में 0 to 9 तक, उसके बाद अल्फाबेट आता है और इसका बेस होता है 16, जितनी नंबर ऑफ वैल्यू उतना बेस, और जो 0 से स्टार्ट होती है वो होती है ऑक्टल, तो ये सेकंड वैल्यू है ऑक्टल की, OCT ऑक्टल लिख दिया, और ऑक्टल का बेस होता है 8, ऑक्टल बेस क्या होता है 8, तो यहाँ पे आया है 16 बेस हेक्सा का,
इस वाली वैल्यू से आया है बेस 8 जो है ऑक्टल का, अब a प्लस बी को ऐड कर दिया तो 16 प्लस 8 ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, तो सी को आंसर क्या मिलेगा 24। तो 24 किसके अंदर है, ऑप्शन बी के पास, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट सिंगल ऑपरेंड, इनमें से कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जो सिंगल ऑपरेंड को ऑपरेट करता है। बाइनरी ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए, एक लेफ्ट और राइट में, बीच में ऑपरेटर आता है। टर्नरी में तीन चाहिए और यूनरी एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको ऑपरेट करने के लिए सिंगल ऑपरेंड चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड को ऑपरेट करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है करने के लिए, वो ये है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप पहला आ चुके हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं विद एग्जाम्पल उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपके समझ में आए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि कंट्रोल फ्लो के ऊपर होगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।